हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था वैलिड एनेग्राम के बारे में, एंड देन उसको हमने समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से यह सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम का नेम हो हमारे पास टू सम, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम, एक हमारे पास एक नम्स का एक अरे है, ओके, इंटीजर टाइप का, एंड एन इंटीजर टारगेट, एक इंटीजर टारगेट, ओके, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट, ओके। इसमें क्या है कि हमारे पास रिटर्न करना है इंडेक्स जो है उनको रिटर्न करना है। किसके बेसिस पे रिटर्न करना है कि जो उनका जो इंडेक्स है उनका जो सम अगर हम करें तो वो इक्वल आना चाहिए टारगेट के, ठीक है। You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. किसी भी हम element को हम दो बार यहाँ पे repeat नहीं कर सकते, और है ना, और हमारे पास इसमें क्या होगा, हमारे पास solution 100% होगा array के अंदर, ये हमारे यहाँ पे condition है, okay। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक nums है, ये target है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 और 7 को अगर हम addition करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 9, तो 9 के हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसने क्या किया, रिटर्न क्या किया, इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसी तरह हम इसमें देखिए, सो इसमें क्या आ रहा है, 6 है, तो हम जो ये हमारा 2 है और 4 को मिला के हम 6 कर सकते हैं, जब ऐड करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और जो 6 है वो हमारा इक्वल है इसके टारगेट के, ओके। एंड ये हमारा जो 2 और 4 है वो कौन से इंडेक्स पर है, 1 और 2 इंडेक्स पर है। इसी तरह हमारा जो 6 है वो हमारा है 3 और 3, ठीक है, मींस इन दोनों को ऐड करें तो हमारा गया 6 और इनकी इंडेक्स क्या है, 0 और 1। तो इस तरह से हम ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, सपोज करो मैंने एक पॉइंटर चलाया यहाँ से, दूसरा पॉइंट चलाया इसके जस्ट आगे से, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा पॉइंटर चलाया यहाँ से। अब जैसे ये हमारा जे हो गया, ये हमारा आई हो गया, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद अगर 9 आ गया, जैसे यहाँ पर इसमें 9 आ गया, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एक तो जो आई है उसको रिटर्न कर देंगे, एक रिटर्न कर देंगे जे को, क्योंकि हमारे दोनों क्या है यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इसमें जाते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है, हम जाते हैं इस वाले में, हमने यहाँ से स्टार्ट किया आई को, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट किया जे को, ओके। अब हम मैच क्या कर रहे हैं कि जो 3 है और जो 2 है कितना हो गया, 5 इक्वल इक्वल है क्या 6 के, हमारे पास यहाँ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वापस से जो जे है इसको हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ से ये चला जाएगा, जे आ गया हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया, एंड ये पॉइंट कर रहा है 4 को, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 इक्वल है क्या 6 के, ये इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो जे वाला मतलब जो इनर लूप है वो हमारा यहाँ पे एंड हो गया, हम क्या करेंगे आई को एक मूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारा आई आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, वापस से जो जे है वो हमारा एक आगे से चलता है, तो हमने यहाँ से इसको 4 से चलाया। अब हम क्या करेंगे, जो आई है और जो जे है इनकी पोजिशन पे क्या किया, 2 और 4, ठीक है, हमने 2 और 4 को ऐड किया, कितना है 6, 6 इक्वल इक्वल है क्या 6 के, तो इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे रिटर्न ट्रू कर देंगे, ट्रू नहीं, इन द सेंस हमको रिटर्न क्या करना है, आई और जे की जो वैल्यू है जो इंडेक्स है उनको रिटर्न करना है, तो इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 2, इस तरह से हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम इसको समझते हैं कोड के थ्रू, इनको यहाँ से हटाते हैं। तो पहली जो अप्रोच हम यहाँ पे है वो हमारी ब्रूट फोर्स, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन हमने क्या किया, एक लूप चलाया सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये चलेगा हमारा लेंथ ऑफ द नम्स, एंड हमने वापस से दूसरा लूप चलाया, ये हमारा चलेगा जो आई है उससे एक स्टेप आगे से, ओके, और ये चलेगा हमारा लास्ट एंड तक, फाइन। नाउ इफ हमारा जो नम्स ऑफ आई है उसमें प्लस कर देंगे नम्स ऑफ जे को, एंड चेक करेंगे ये क्या यह बराबर बराबर है क्या टारगेट जो वेरिएबल है उसके, अगर यह बराबर बराबर होता है, और ऑब्वियसली होगा
एक बार तो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसमें हमको जरूर मिलेगा, ठीक है। सो हम रिटर्न कर देंगे आई और जे को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ एंड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है। सो फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ आई +1 नॉट डिफाइंड ड्यू मीन रेंज। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये आगे पीछे हो गए वर्ड डिफाइंड, अब हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, ये हमारा टेस्ट कैसे हमारे हो गए रन। सबमिट करते हैं और चेक करते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया है, लेकिन जो टाइम ले रहा है वो बहुत ज्यादा ले रहा है, बट कोई ना, हमारे ये ब्रूट फोर्स के थ्रू हमारे यहाँ रन हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से यह चला। जैसे मैं आपको बताया, सबसे पहले जो हमारा आई है वो पॉइंट कर रहा है, सपोज 1 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो जे है वो हमारा चल रहा है आई +1 से, मीन्स एक स्टेप आगे से चल रहा है जे। तो जे पॉइंट करेगा इसको 7 को, ठीक है। और ये हमारा लास्ट तक चलेगा, इसका तो आपको पता लग गया होगा अब तक तो ना। नेक्स्ट हम क्या चेक कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये है, ठीक है, एंड जो हमारा नम्स ऑफ जे है वो क्या है, ये वाला। तो 2 + 7, 2 + 7 बराबर बराबर है क्या? टारगेट में क्या था, टारगेट में हमने हमको दिया था यहाँ पे 9, तो ये इक्वल इक्वल है क्या 9 के? सो 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो ये हमारा इसके इक्वल है, तो रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और हमारे ये कोड इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ इसको करते हैं कमेंट और बढ़ते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। तो दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ कि करने क्या वाले हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे हम यूज करेंगे जैसे डिक्शनरी का यूज करते हैं फिर से, क्योंकि डिक्शनरी हमारा बहुत हेल्प करता है इन चीजों में। ओके, अब देखो जैसे हमको यहाँ पे 9 सर्च करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे डिक्शनरी बनाते हैं, सबसे पहले हम इनके ऑक्यूरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे 2 है, 2 को हम चेक करेंगे डिक्शनरी में, ठीक है। 9 - 2 कितना होता है, 9 - 2 कितना होता है, यहाँ पे 9 - 2 होता है 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो 7 है वो डिक्शनरी में है क्या। तो अभी तक तो 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे विद द इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे इंडेक्स चाहिए। सो ये कौन सी इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर। फाइन, नाउ हमारा जो सेकंड आइट्रेशन होगा उसमें क्या होगा, 7 लेंगे हम, 7 को माइनस करेंगे 9 से, 9 - 7 कितना होगा, यहाँ पे 2। चेक करेंगे क्या 2 हमारा डिक्शनरी में है क्या। अगर हमारा 2 डिक्शनरी में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 डिक्शनरी में है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है, ये मीन्स हमारा जो इंडेक्स वो, और जो हमारा इस टाइम आई जो है या हमारा जो पॉइंटर है वो जिस करंट पोजीशन पर है, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे कोड करते हैं देन समझते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, मैप का बना लेते हैं। सो प्रीव मैप, इसका मतलब ये हो गया कि मैप का मतलब हम मैप कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स को, कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो किन इंडेक्स पर है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे ले लिया प्रीवियस मैप। ओके, नाउ फॉर आई एंड एन हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमको चाहिए इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू, और हमारा जो नंबर है वो। इसके लिए हम पाइथन में क्या करते हैं, यूज करते हैं इनमरेट फंक्शन का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनमरेट फंक्शन का यूज किया, किसके ऊपर परफॉर्म करना है, इनमरेट जो हमारा एरे है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डिफरेंस का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से डिफरेंस निकालना, तो हमने डिफरेंस किया जो टारगेट है उसमें से माइनस कर देंगे एन को, माइनस किया। अब चेक करेंगे अपन कि जो डिफरेंस जो आया है क्या वह जो प्रीवियस मैप है उसके अंदर है क्या। अगर वह उसके अंदर होता है तो हम सिंपल सा यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो हमारा प्रीवियस जो मैप है वो, उसका जो डिफरेंस है
उसकी वैल्यू, मीन्स वैल्यू मतलब क्या आएगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर, और जो करंट जिस करंट जो हमारा पॉइंटर जिस करंट पोजीशन पर है उसके यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आई को, ठीक है। अगर ये हमारा फॉल्स होता है, ऑब्वियसली अगर कभी फॉल्स होगा स्टार्टिंग मतलब लगभग ये फॉल्स होता होता चलेगा, ओके। हम क्या करेंगे अगर फॉल्स हुआ तो जो हमारा डिफरेंस जो हमारा एन है, ठीक है, उसमें सिंपल सम क्या कर देंगे आई यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले रन करते हैं, देन इसको हम समझते हैं कि हमारा किस तरह से चल रहा। सो हमारा टेस्ट केसेस हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, हमारा ये सबमिट भी हो गया और हमारा यहाँ वेट कर दिया 94 यूजर्स को, ओके। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर हमने किया क्या है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाई है, जैसे मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देता हूँ, यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई है, ये हमारा स्टार्ट हो गया और एंड सपोज करो हमारा यहाँ पर इसको एंड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टेस्ट ये ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने ये लिया एंड देन हम क्या करेंगे आई एंड एन, आई में हमेशा क्या होगा जीरो से स्टार्ट होगा, जब तक एलिमेंट आता जाएगा तब तक ये आई इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on, ओके। एंड देन जो हमारा एन है उसमें क्या होगा एलिमेंट आएगा, जैसे एलिमेंट क्या हमारा सबसे पहले 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, हमारे पास 2 आ गया। अब डिफरेंस चेक करना है किसका, टारगेट का, टारगेट में कितना है यहाँ पे 9, 9 माइनस एन कितना है 2, कितना आया यहाँ पे 7 आ गया। अब जो हमारा रिजल्ट आया या डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम चेक करेंगे, इफ डिफरेंस इन प्रीवियस मैप, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है क्या वह हैश में है क्या, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हैश के अंदर नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा फर्स्ट में, हम जाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारा प्रीवियस मैप है उसका जो एन है यानी कि जो हमारी जो की है उसमें हम डाल देंगे आई की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा की, इसको हम बोलते हैं की, ओके, इसको हम बोलते हैं वैल्यू। तो की क्या है हमारे पास एन, एन में क्या है 2, यहाँ पे हमने कर दिया 2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, सबसे पहले जो आई है हमारा कितना इस टाइम 0, तो यहाँ पे हमने डाल दिया यहाँ पे 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में वापस से हम यहाँ पे जो आई है ये हो जाएगा 1 और एन जो है इसमें नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे वापस से डिफरेंस चेक करेंगे, टारगेट कितना है 9 और जो एन है वो कितना है 7, कितना आया यहाँ पे इसका आंसर 2। तो 2 को हम चेक करेंगे जो हमारा यहाँ पे इफ वाली कंडीशन से चेक करेंगे, इफ डिफरेंस इन प्रीवियस मैप, तो जो 2 है क्या वह है हमारा जो हैश मैप है या हमारा जो डिक्शनरी है या हमारा जो प्रीव मैप है इसके अंदर अवेलेबल है क्या, तो ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अवेलेबल है इन द सेंस हम क्या यहाँ पे रिटर्न कि हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम क्या करेंगे जो हमारा प्रीवियस मैप है उसको यहाँ पे रिटर्न करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस मैप का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है 2, मीन्स कि की को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, कॉल कर रहा है की को, रिटर्न क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, ये जो इतना सारा है इतना इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 और जो आई है उसकी वैल्यू इस टाइम क्या है हमारे पास 1। तो इस तरह से हमारा जो 0 और जो 1 है यहाँ पे हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।